हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक द कंप्लीट गाइड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंट एसिड्स एंड देयर सोर्सेस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले एसिटिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। तो एसिटिक एसिड कहाँ से मिलता है? विनेगर। तो एसिटिक एसिड का जो सोर्स है वो है विनेगर। तो विनेगर से एसिटिक एसिड मिलता है। और लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का सोर्स मिल्क है। तो मिल्क जो होता है वहाँ से लैक्टिक एसिड मिलता है। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कहाँ से आता है? लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स। तो लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स जो होते हैं उनसे साइट्रिक एसिड मिलता है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड कहाँ से मिलता है? टामारिंड। तो टामारिंड जो है वहाँ से टार्टरिक एसिड मिलता है। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड कहाँ से मिलता है? ऑनराइप एप्पल। तो जो ऑनराइप एप्पल होते हैं उनसे मैलिक एसिड मिलता है। ऑक्जैलिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड टोमेटो से मिलता है। और इस पॉइंट को याद रख लेना चाहिए कि जो ऑक्जैलिक एसिड जो होता है वो बॉडी में कैल्शियम ऑक्जैलेट फॉर्मेशन करता है, और कैल्शियम ऑक्जैलेट जो है वो बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोर्स है वो है स्टोमक। तो स्टोमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि व्हिच एसिड प्रेजेंट इन ऑनराइप एप्पल। तो ऑनराइप एप्पल में कौन सी एसिड प्रेजेंट होते हैं? मैलिक एसिड। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन व्हिच फ्रूट। तो कौन सी फ्रूट में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है? लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स। जो भी ऑप्शन में दिया होगा उससे आप पिक कर लोगे। तो आपको ये जो एसिड्स एंड देयर सोर्सेस पूरी तरह से याद रख लेना चाहिए, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में आप उसकी आंसर आसानी से कर सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारा स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर देना।